नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमावी कुमार, आप देख रहे हो ये मेरा, मैंने पार्ट वन का वीडियो शूट किया था। अब दूसरा वीडियो में यहाँ ड्रेन पॉइंट है, तो मेरा इधर ऑपोजिट मेरा ड्रेन पॉइंट है, तो यहाँ पर हम कैसे काटेंगे ड्रेन पॉइंट को। तो सबसे पहले मैं पत्थर की गोली से हम बीच में आपके दे देता हूँ, 7 इंची है, और इधर से मैं 3.5, और इधर से 7.25, 6.5 बाय 3.5 है। बीच से नापी ले लिया, इसको कैसे काटेंगे आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैं इधर से पत्थर इंस्टॉल करूंगा और दिखाते हैं आपको, बने रहिए वीडियो। बढ़िया दोस्तों, सबसे पहले इसको मैं अच्छे से काट लिया और सब मसाला पसार के देख रहे हैं दोस्तों। दोनों तरफ हम बराबर करेंगे, छोटा बड़ा है मार्बल को, तो छील के हम पहले मेकअप कर लेते हैं, उसके बाद बैठा के देखते हैं, उसके बाद फिर से हम इसको एक बार देख रहे हैं। ठोकर लग रहा है तो इसको सब बराबर करके, और इधर से मैं जॉइंट चला दूँगा, सब बराबर हो जाएगा। देख रहे हो बाहर का पोजिशन, हमको बाहर अब एकदम सूता में होना चाहिए, एकदम टच नहीं होना चाहिए। तो जहाँ हो रहा है उसको हम मशीन में ऐसे मार देते हैं, एक बार चला देंगे तो मेरा परफेक्ट सट जाएगा और बराबर हो जाएगा। बारीकी से आपको काम मिलेगा मेरे चैनल में। इसके बाद दिखाएंगे दोस्तों ड्रेन पॉइंट कैसे काटा जाता है। तो जो लास्ट में जब बचता है दोस्तों, मशीन वहाँ तक नहीं जाता है, तो इसीलिए इसको उठा के छीलना पड़ता है और परफेक्ट मेरा है। अब मैं ड्रोन पॉइंट काटूँगा, ये थोड़ा गैप करके मैं इसको फिर चला रहा हूँ, जहाँ सट रहा है वहाँ स्पेस उसको मान देता हूँ, उस सॉलिड हो जाता है। तो ड्रेन पॉइंट में काटूंगा दोस्तों, बीच में जो हम मैंने नापी दिया था, आप देख रहे हो उसी हिसाब से उधर वाला भी नापी दे, और बीच से वो 4 इंची का मेरे पास अभी जाली नहीं है, तो हम ये ब्लेड का इस्तेमाल करेंगे, उसको चारों तरफ से राउंड मार देंगे। राउंड मारने के बाद आपको प्रोसेस इसको कटिंग करना है। तो दोस्तों किस टाइप का होता है देख रहे हो, ड्रेन पॉइंट का जाली कैसे कटता है। आराम से हल्का हाथों से चलाइएगा, एकदम परफेक्ट आपको कटेगा, लेकिन बशर्ते दोस्तों हाथ कांपना नहीं चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए। जाली का जो ड्रेन पॉइंट यदि आप काट लिए तो जानिए कि आपका बहुत हाथ बैठ गया मशीन के प्रति। तो ड्रेन पॉइंट का कटाई देख रहे हैं दोस्तों, एकदम सॉलिड होता है, तो एकदम परफेक्ट हो गया। अब इसको हम इंस्टॉल करेंगे, तो एक तरफ से हम देख रहे हैं इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। तो दोस्तों जहाँ जहाँ मेरा मसाला खाली है वहाँ हम मसाला दे देते हैं, और उसके बाद घोल डालेंगे। प्रॉपर मेरा लाइन डोरी में है, डायरेक्ट इसको घोल डाल के उठा के उसको देना पड़ेगा। और तो परफेक्ट मैं ड्रेन पॉइंटे से शुरू कर रहा हूँ, ताकि आपका यदि थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो तो मेकअप हो सकता है। तो ड्रेन पॉइंट कटने के बाद आपको दूसरा टाइप दूसरा मार्बल है, कटनी मार्बल, इसको फेस फेस में मलाना है। उसी टाइप का आपको जहाँ जहाँ मसाला खाली है वहाँ वहाँ दे, और घोल चारों तरफ प्रॉपर हो जाना चाहिए ताकि साउंड ना करे। और इस टाइप का कट मार ले दोस्तों, नहीं मारिएगा तो साउंड करेगा। तो कट मारने के बाद आप प्रोसेस दोनों तरफ एकदम अच्छा से मिला लीजिए, तो इसको प्रेस कीजिए आप कोई भारी सामान के हिसाब से। तो ये मेरा थोड़ा है जो रबा अमेजोन से मंगाए हैं, फ्लिपकार्ट से सॉरी। तो आप भी मंगाना चाहते हैं तो आप मंगा सकते हैं। तो इस टाइप का आप देख रहे हो, कट कर लेते हैं, बहुत ही बेहतरीन। और कट करना जरूरी है दोस्तों, ताकि नीचे तक आपका घोल भी पहुंचे और
आवाज़ ना करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।